तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पोकन इंग्लिश की क्लास नाइन्थ में। आज नवा दिन है हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास का और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। तो कल हमने सीखा हाउ टू आस्क WH टाइप क्वेश्चंस, जैसे वॉट इज़ योर नेम, है ना, वॉट इज़ योर फादर्स नेम, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे वेयर इज़ योर फादर, वेयर इज़ योर ब्रदर, है ना, वेयर इज़ योर विलेज, ओके, एंड वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू सैड, ओके, एंड देन हाउ टू आस्क यस नो टाइप क्वेश्चंस, ये भी हमने कल सीखा है, ओके। इज़ दिस योर पेन, यस दिस इज माई पेन, इज दिस योर चार्जर, यस दिस इज माई चार्जर, यस भी बोल सकते हैं आप, लेकिन आप पूरा बोलिएगा, ओके। तीसरी चीज़ हमने सीखी थी नंबर सिस्टम इन इंग्लिश, जैसे ज़ीरो से हमने सीखा था जिलियन तक, ओके, ज़ीरो, फिर 1, 10, 20, 22, 23, लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, सारी चीज़ें हमने सीखी थी। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, ओके। वैसे 1 से लेकर के सारे वीडियोज़ ही आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ओके। एंड देन आज के टुडेज़ प्लान को देखते हैं आज हम लोग। हाउ टू टेल द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग डिफरेंटली, क्या मतलब हुआ आगे सीखेंगे। एंड आज फिर हम लोग यूजेज ऑफ द को भी देखेंगे। आज की दोनों चीज़ें आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत हेल्पफुल होगी, आई होप सो, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो इस चीज़ को हम लोग सीखने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 को, हाउ टू टेल द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग डिफरेंटली, किसी चीज़ या फिर किसी इंसान के पहचान को अलग अलग तरीके से कैसे बताएं, ओके। जैसे हम लोग सीख चुके हैं अ पेन, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर पेन, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, बस उससे ज़रा सा हट करके मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आगे देखते हैं। जब कोई एक पेन होता है तो उसे हम अ पेन कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक कलम, ओके। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया के हज़ारों लाखों करोड़ों पेन में से एक पेन है, ओके। अभी इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है कि इसके ऑनरशिप, इसकी पोजेशन, इसकी इसके इसके मालिक कौन है, इसका माई बाप कौन है, ओके। लेकिन जब आप कहते हैं कि माई पेन, मतलब ये मेरा पेन है, अब ये कोई एक पेन नहीं है, अब ये मेरा पेन है, मतलब ये मेरी पोजेशन है, मेरी संपत्ति है। तीसरा, दिस पेन, अगर हम इस मार्कर को कहना चाहते हैं तो कहेंगे दिस मार्कर, क्योंकि ये मेरे पास है, मेरे करीब है, इसीलिए हम इसे दिस मार्कर कहेंगे, ओके। हम इंडिकेट करते हैं चीज़ों को, जब कोई चीज़ करीब में होती है और हम उसे इंडिकेट करना चाहते हैं तो दिस का इस्तेमाल करते हैं। आगे, जब कोई चीज़ दूर में होती है तब हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दैट बॉटल, है ना, दैट बल्ब, दैट बॉक्स। तो इस हिसाब से जब भी कोई चीज़ दूर होती है और हम उसे इंडिकेट करना चाहते हैं तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा, जब कोई पेन की बात पहले से हो चुकी है और हम उसको जानते हैं या फिर जिसके सामने हम कह रहे हैं वो इंसान उसको जानता है, तो वहाँ पे द पेन का इस्तेमाल होगा, वह कलम जिसकी बात पहले हो चुकी है। जैसे इट्स अ पेन, द पेन इज़ ब्लू, यह एक पेन है और द पेन इज़ ब्लू, अब उसी पेन की बात हो रही है कि वह पेन ब्लू है, कोई दूसरे पेन की बात नहीं हो रही, दैट मीन्स कि उस पेन का जिक्र पहले से हो चुका है, क्लियर। उसी का एग्जांपल मैंने नीचे दिया हुआ है, यूजेस ऑफ द में डिटेल में इसको समझते हैं, ओके। यूजेस ऑफ द में आप देखिए, द इज़ यूज्ड विद स्पेसिफिक पर्सन और थिंग विच इज़ ऑलरेडी नोन, द वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के साथ लगता है लेकिन सिर्फ इस केस की बात करें जो अभी मैंने आपको बताया, तो द वहाँ पे यूज्ड होता है जो चीज़ या फिर जो इंसान का जिक्र पहले हो चुका है और आप या हम उसे पहले से जानते हैं तो वहाँ पे द का इस्तेमाल होता है। जैसे इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेन, मतलब यह एक कलम है, द पेन इज़ ब्लू, तो अब फिर से इट्स
कलर इज़ ब्लू नहीं बोलिए, द पेन इज़ ब्लू। यहाँ पे द बोलने का मतलब हो गया कि ये इसी पेन की बात हो रही है, किसी और अलग पेन की बात नहीं हो रही है। ओके, इट्स अ मार्कर, इट्स अ मार्कर, द मार्कर इज़ माइन, इट्स अ मार्कर, द मार्कर इज़ माइन। यहाँ पे इस मार्कर की बात हो रही है, किसी और मार्कर की या फिर कोई एक मार्कर की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ओके, इट्स अ कार, द कार इज़ वाइट, मतलब उस कार की बात हो रही है जो वाइट है, जिसके बारे में आपको पहले से बताया जा चुका है। इट्स अ बोर्ड, द बोर्ड इज़ वाइट। ओके, आप ये भी कह सकते हैं। दे आर शूज़, एक चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पे बतानी, वो ये है कि शूज़ में कभी भी इट इज़ नहीं लगता है, दे आर लगता है, क्योंकि शूज़ हमेशा पेयर में पहनी जाती है और बोली भी जाती है। तो दे आर शूज़ होगा एंड द शूज़ आर पिंक। द का इस्तेमाल या तो वो सिंगुलर हो नाउन या फिर प्लूरल हो, दोनों में ही द का इस्तेमाल होता है। ओके, और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जैसे हम लोग जब पैंट पहनते हैं या फिर जीन्स पहनते हैं, तो वहाँ पे भी इट इज़ अ जीन्स नहीं होता है, दे आर जीन्स होता है। ओके, क्योंकि वैसे तो शुरुआत उसकी ऊपर से एक ही कपड़े से होती है, लेकिन नीचे वो दो पाँव में पहनी जाती है, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल प्लूरल सेंस में होता है। ओके, क्लियर। तो इसीलिए दे आर जीन्स होगा। ओके, द जीन्स इज़ ब्लू, ये भी कह सकते हैं। ओके, आई थिंक हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि द का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जैसे बहुत सारी चीज़ों के साथ किया जाता है। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, द इन तमाम चीज़ों के नाम के पहले किया जाता है, जैसे माउंटेन के नेम के पहले, द हिमालय, ओके, रिवर के नेम के पहले, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, रिलिजन, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिक्स, ओके, होली बुक, मतलब किसी ग्रंथ, किसी धर्म के ग्रंथ के नाम के पहले, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, ओके, सेवन वंडर्स, ओके, द माचू पिचू, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, इन सभी चीज़ों के नाम के पहले द का लगाना ज़रूरी है। एंड देन सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, द वर्स्ट, द फास्टेस्ट, द स्लोएस्ट, द चीपेस्ट, द फिटेस्ट, द फैटेस्ट, द थिनेस्ट, ओके, तो सुपरलेटिव डिग्रीज़ के पहले हमें द का इस्तेमाल करना होता है, माइंड इट, याद रखिए। ओके, एंड यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स उसे कहते हैं मतलब जो चीज़ दुनिया में इकलौती है, जैसे सन, दुनिया में कोई और भी है क्या, सन अकेला ही है ना वो, तो द सन, द मून, द वर्ल्ड, द अर्थ, जो भी चीज़ इकलौती है और जिसे सब जानते हैं, तो उसके साथ द का इस्तेमाल होगा। ओके, बहुत सारे, द मून है ना, द अर्थ, एंड देन न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल होता है, जैसे द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, तो इन तमाम नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है। एक चीज़ जो कि यहाँ पे आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्लास, जब आप किसी क्लास मतलब किसी जाति का बोध कराते हैं, तब आपको द का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है द हॉर्सेस, मतलब यहाँ पे हॉर्स की पूरी प्रजाति की बात हो रही है, सिर्फ एक या दो घोड़े की बात नहीं हो रही है, पूरी की पूरी प्रजाति की बात हो रही है हॉर्सेस की। अगर मैं कहता हूँ कि द डॉग्स आर फेथफुल, मतलब डॉग्स की पूरी प्रजाति, उसका पूरा का पूरा क्लास ही फेथफुल होता है। ओके, तो जब हम द लगाते हैं, इसका मतलब हम पूरे के पूरे क्लास को, कम्युनिटी को शो कर रहे हैं। लेकिन जब आपको मैन या फिर वुमन की क्लास को शो करना होगा, तो आप द का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, याद रखिए। नॉर्मली आप मैन या फिर वुमन कहिएगा। ओके, दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस, आप याद रखिएगा। ओके, अब आखिर में एक चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, वैसे इसको इस तरीके से भी कह सकते थे कि किसी विकसित देश के नाम
नाम के पहले द का इस्तेमाल होता है लेकिन वो गलत हो जाएगा, ओके। लेकिन तीन ऐसे एक्सेप्शंस हैं देश के नाम के पहले जिनके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें हैं यूके, द यूनाइटेड किंगडम, एंड देन यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड द यूएई, द यूनाइटेड अरब एमरेट, ओके। तो इन सभी नामों के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार छोटा सा शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं यहाँ से। आज हमने सीखा हाउ टू टेल द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग डिफरेंटली, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे किसी एक चीज़ या फिर किसी एक इंसान के बारे में अलग अलग तरीके से कैसे बताया जा सकता है, उसकी पहचान के बारे में वो आपने यहाँ पे देखा, आज हमने सीखा। उसके बाद हमने यूजेज़ ऑफ द को सीखा कि द का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि वह चीज़ जिसके बारे में पहले से बात हो चुकी है और उसके बारे में आप पहले से जानते हैं तो वहाँ पे द का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे, फिर आपने देखा कि द का इस्तेमाल और भी कई चीज़ों के साथ होता है, उसका आपने नाम और एग्जाम्पल देखा। तो इस प्रकार से हम लोग वीडियो के अंत में आ चुके हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।